प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज द्वारकाधीश के दर्शन करने के साथ साथ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 7:45 पर बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 8:25 पर सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे और फिर पीएम मोदी सुबह 9:30 द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। आज पीएम मोदी राजकोट में भी जाएंगे, जहां वो 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज सुबह पीएम मोदी के जिस कार्यक्रम पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, वो है बेट द्वारका को द्वारका मेन लैंड से जोड़ने वाला पुल। और इस पुल को बेहद ही खास तरीके से तैयार किया गया है। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस पुल को बेहद ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। इस पुल के दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ तैयार किया गया है। पैदल पथ के ऊपरी हिस्से में सौर पैनल भी स्थापित किए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अभी यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेट द्वारका के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब इस पुल के बनने से यात्रा सुगम होगी और समय की भी बचत होगी। और इसे कृष्ण भक्तों के लिए मोदी के मेगा उपहार के तौर पर भी देखा जा रहा है। के अंदर दूसरी बार गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में जामनगर की जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी। पीएम के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारे खड़ी लोगों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो मोबाइल फोन में पीएम के रोड शो की तस्वीरें उतारी। जामनगर की जनता ने पीएम मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए तो पीएम ने भी उनके उत्साह की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जामनगर पहुंचने पर बहुत गर्म जोशी से स्वागत किया गया। द्वारका और राजकोट में जिन कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा, उनका कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चुनावी साल में पीएम मोदी अपने हर दौरे पर देश को नई सौगात दे रहे हैं। आज पीएम मोदी गुजरात समेत पूरे देश को 52,250 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जिनमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, एनर्जी सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, टूरिज्म से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम आज गुजरात में जिन अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, उनमें सबसे अहम और अनोखा मेनलैंड बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला सिग्नेचर ब्रिज, ये ब्रिज देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। बेट द्वारका को जोड़ने वाले इस ब्रिज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा ये जो ब्रिज के पायलॉन पे बने हुए हैं मोर पंख, जिन्हें कि भगवान कृष्ण के माथे पर सजे मोर पंख से अडॉप्ट किया गया है और यहाँ कार्व करके ब्रिज पर इंस्क्राइब किया गया और इस तरह से इसमें रंग भरे गए हैं कि दिन में भी ये अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो, जो यहाँ आने वाले दर्शनार्थी हैं वो इसे देख पाएँ, और रात में इस तरह से लिटअप किया जाएगा कि जो ये मोरपंख हैं वो रात में भी दिखेंगे। और एक तरह से ब्रिज का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें जो वैल्यू ऐड करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को इस ब्रिज पे दर्शाते हुए इस सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया गया, और उसमें एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये मोर पंख होंगे जो कि चारों तरफ बने हुए हैं, चार मोर पंख बने हुए हैं पायलॉन के दोनों तरफ, ताकि आप किसी भी दिशा से आ रहे हों तो इन मोर पंखों को देख पाएंगे। इस पुल के बनने के बाद ओखा से बेट द्वारका जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राह आसान हो जाएगी। पहले श्रद्धालु नाव के जरिए बेट द्वारका आते थे, इस पुल पर आवाजाही शुरू होने से बेट द्वारका में तीर्थयात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इससे पहले खराब मौसम के कारण नावों को रोकना पड़ जाता था, जिससे कई श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित रह जाते थे। इस पुल के निर्माण के बाद अब
बेट द्वारका जाने वाले श्रद्धालुओं को निराश नहीं होना पड़ेगा। सुदर्शन ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और देश और दुनिया भर में सुदर्शन ब्रिज के विजुअल्स आजकल बहुत फेमस हुए हैं। भगवान द्वारकाधीश जी की नगरी जन्माष्टमी के दिन जिस प्रकार से सजाई जाती है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व यहाँ के नागरिकों ने हर एक बिल्डिंग, हर एक होटल, हर एक धर्मशाला, हर एक मंदिर, पूरी नगरी को सजाया है। भगवान द्वारकाधीश के चरणों में वंदन करने खुद प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एवं आसपास के नागरिक प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुक है। इसके साथ ही पीएम आज राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में 5 एम्स का उद्घाटन करेंगे तो 23 राज्यों के 200 से अधिक हेल्थ सेंटर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही ESIC की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तो वहीं नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।